बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन 27 जुलाई को अपना 31वां जन्मदिन मना रही हैं। कृति ने बिना किसी बॉलीवुड कनेक्शन के अपने अलग जगह बनाई है। काफी कम समय में उन्होंने बड़े सितारों निर्देशकों के साथ इंडस्ट्री में काम कर अपनी जगह पक्की कर ली है। आज उनका नाम बॉलीवुड की हिट एक्ट्रेस में आता है। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, इसके बाद उन्होंने साउथ की फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की थी। उनके जन्मदिन के मौके पर उनसे जुड़ी चलिए कुछ खास बातें आपको बताते हैं। कृति सैनन का जन्म आज ही के दिन साल 1990 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता राहुल सैनन सीए हैं और उनकी माँ गीता डीयू में प्रोफेसर हैं। दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद वो नोएडा चली गई, जहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा था। कृति ने अपने करियर की शुरुआत साउथ सिनेमा की फिल्मों से की थी। पहली बार वो पर्दे पर सुपरस्टार महेश बाबू के साथ नजर आई थी, जिसके लिए कृति को क्रिटिक से काफी तारीफ भी मिली थी। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की ओर रुख किया और बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म हीरोपंती से उनका करियर शुरू हुआ, जिसमें उनके अपोजिट थे टाइगर श्रॉफ। आपको बता दें कि फिल्म हीरोपंती से टाइगर श्रॉफ ने भी डेब्यू किया था। ये फिल्म हिट रही और दोनों का करियर चल निकला। इसके बाद उन्होंने लगातार बड़े बड़े एक्टर्स के साथ शानदार फिल्में की थी, जिनमें शाहरुख खान और वरुण धवन के साथ दिलवाले, आयुष्मान खुराना के साथ बरेली की बर्फी, कार्तिक आर्यन के साथ लुका छिपी, अक्षय के साथ हाउसफुल और अर्जुन के साथ पानीपत शामिल रही हैं। उनकी नई फिल्मों की बात करें तो हाल ही में उनकी फिल्म मिमी रिलीज हुई है, जिसमें वो सैरोगेट मदर का किरदार निभा रही हैं। इस फिल्म को साल 2020 के मिड में रिलीज किया जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं हो पाई, इसलिए इसे डिजिटली रिलीज करना पड़ा। इस फिल्म में उनके अपोजिट पंकज त्रिपाठी नजर आ रहे हैं। दोनों की जोड़ी काफी अलग है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। खैर, ये फिल्म हिट हुई या फ्लॉप ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल मिल रहे रिव्यू से ये कहना गलत नहीं होगा कि फैंस इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं। कृति सैनन के बर्थडे से एक दिन पहले यानी 26 जुलाई को उनकी फिल्म मिमी रिलीज कर दी गई। उनकी बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट की गई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस दौरान उन्होंने जो लुक कैरी किया था वो भी देखने लायक है। कृति अपने बर्थडे पार्टी में काफी स्वीट और सिंपल लुक में नजर आई थी। इस बार कृति ने हॉट या सेक्सी नहीं बल्कि बेहद ही स्वीट लुक कैरी किया था। एक्ट्रेस ने मूवी रिलीज और अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए 3-पीस सेट चुना, जिसमें फिटेड मिनी स्कर्ट, जिसके साथ उन्होंने मैचिंग क्रॉप टॉप और लॉन्ग जैकेट पहनी थी। बेबी ब्लू और पिंक कलर के इस कॉम्बिनेशन में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। बर्थडे सेलिब्रेशन में वो काफी खुश नजर आ रही थी। फिल्म मिमी की रिलीज ने उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की खुशी को दोगुना कर दिया था। उनके बर्थडे में फिल्म के काफी लोग शामिल हुए, उनकी टीम और क्रू भी शामिल हुई। कृति की ड्रेस, केक और बैकग्राउंड आपस में मिक्स एंड मैच हो गए, जिससे माहौल काफी खुशनुमा हो गया। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि कृति ने बिना किसी बॉलीवुड कनेक्शन के फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बनाई है। न्यूज रूम पोस्ट के साथ मैं वर्षा करखोदिया, दिल्ली।